सेहतमंद बीज खरीदेंगे तो सेहतमंद फसल आप हासिल करेंगे। उसके बाद मैं अपने बाकी दोस्तों को अपना, क्योंकि आज सारे मौसमी फार्मर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरा एक और पैगाम है सब दोस्तों को। मैं अमूमन खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट करता हूँ तो देखता हूँ कि उनका कोई भी कोना ज़मीन का खाली नहीं होता, वो हर कोने पे कोई ना कोई दरख्त लगाए रहते हैं। आज मैंने तारिक साहब का फॉर्म विज़िट किया तो वहाँ पर मैंने सागवान देखा, वो यहाँ पे सागवान स्लो है, उसकी वो ग्रोथ नहीं हो पाई। प्रोजेक्ट जो हमने सोचा था इसका करने का वो नहीं हो पाया, लेकिन एक खूबसूरती के लिए भी लगाया। और दूसरी बात ये है कि हम इस दरख्त को 1947 से लेके आज तक काटते आ रहे हैं, हम लोग लगा नहीं रहे। आप सब दोस्तों को मैं गुजारिश करूँगा कि जो इस वक्त इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, सारा सिलसिला हुआ है कि हमारी मेहरबानियाँ हैं, हम दरख्त काटते आए हैं, लगाने नहीं दिए। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने ज़मीनों को भी आबाद करें और अपने जो साइटें हैं फालतू जगह बचती है वहाँ पर दरख्त लगाएँ ताकि इस मुल्क का मौसम बेहतर हो सके। और दूसरी सब दोस्तों को मैं ज़्यादा देर आपने हाई नहीं हूँगा, सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फील्ड्स में डिपोजिट दें। और चूँकि आप आगे आने वाले दिन जो है स्केट निकले वाले हैं और उसके बाद रमज़ान शरीफ भी हो जाएगा, ड्रिप्स के अटैक्स सारों को पता है जो वो सिलसिला चल रहा है, और आगे जाके हमें हार्वेस्टिंग की तरफ भी जाना है। और सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हार्वेस्टिंग अपने टाइम पर करें। पिछले सालों में देखा कि बहुत अर्ली लोगों ने हार्वेस्ट की और जो लोग 10-10 टन माल लेके गए उनके पास एक एक टन भी माल बचा नहीं। तो ये सब दोस्त को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप टाइम पे हार्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।